हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़ संधि के बारे में। गुड़ संधि क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था इससे पहले किसके बारे में, दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में हमने कौन कौन से स्वर पढ़े थे? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। उनके दीर्घ रूप को देखा था कि वो कैसे कैसे बनते हैं। उसकी जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि यदि किसी स्वर, यदि कोई भी स्वर अ आ ई ई ऊ ऊ उसके बाद में समान स्वर आता है, ठीक है, दीर्घ संधि में क्या था, स्वर के बाद समान स्वर आता था तो हमारी दीर्घ संधि होती थी, जिसमें कि हमने आ ई और ऊ के नियम को देखा था। अभी ये है हमारी गुड़ संधि। गुड़ संधि में हम देखेंगे यदि अ आ यानी कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या रि ऋषि का स्वर आए, ठीक है, इसमें समान स्वर नहीं है, इसमें डिफरेंट है। आ और आ के बाद में हमें स्वर देखने हैं, ई ऊ या रि में से कोई स्वर आता है तो वो इन दोनों को मिलाकर क्या बना देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नियम देखेंगे, यदि छोटा बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी ई आती है तो वो आपका क्या बन जाता है, छोटी ए बन जाती है, ठीक है, यानी कि छोटी ए की मात्रा उसमें आ जाती है। फिर छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो वो छोटा ओ बना देता है, ठीक है, यानी कि इसको पहचानने का एक और तरीका है कि इसकी जो मात्रा होती है वो सिंगल मात्रा होती है, छोटी ए और छोटा ओ की, यानी कि सिर्फ एक ही मात्रा होती है। एक मात्रा अगर उस शब्द पे होती है तो वो आपका किस में आता है, गुड़ संधि में आता है, ठीक है। और री का नियम है, री की मात्रा अगर किसी पे होती है वो भी आपकी गुड़ संधि में आती है, ठीक है, सिंगल मात्रा और री की मात्रा। अब हम देखेंगे सबसे पहला नियम जो है हमारा ए की मात्रा का, हम नियम देखेंगे, छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर होती है, ठीक है, छोटी ए की जो मात्रा होती है वो या तो दूसरे अक्षर पर होगी या फिर वो तीसरे अक्षर पर होगी, तो वह गुड़ संधि होती है। इसको पहचानने का तरीका है आपका कि यदि ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर, किसी शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर पर होती है तो वो आपकी गुड़ संधि होती है। ए का नियम हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि सुरेंद्र हमने लिया है, ठीक है, सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, तो इसमें आ छुपा हुआ है क्योंकि हलंत नहीं है, तो यहां पर हमारा छोटा आ छुपा हुआ है, छोटा आ प्लस क्या है यहाँ पे, छोटी ई, तो छोटा आ प्लस छोटी ई इजिकल टू, हमने यहाँ पे देखा छोटा आ प्लस छोटी ई इजिकल टू क्या बना रहा है हमारा, ए, क्या बना रहा है हमारा, छोटी ए बना रहा है, तो यहाँ पे छोटी ए बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या था, दूसरे अक्षर पर, शब्द के दूसरे अक्षर पर हमें यहाँ ए की मात्रा, सिंगल मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये गुड़ संधि है। दूसरा हम देख लेते हैं तीसरे अक्षर का नियम, ठीक है, दूसरे या तीसरे अक्षर पर हमने डेफिनेशन में देखा था, तो अब है हमारा जिसमें तीसरे अक्षर पर मात्रा है, कमलेश, ठीक है, तो कमल प्लस ईश, इसमें क्या मिला रहा है, ये ल छुपा हुआ है, छोटा अ प्लस क्या है ये, बड़ी ई, तो अ प्लस बड़ी ई, ये दोनों भी क्या बनाएंगे मिलके, छोटी ए, तो क्या हो गया ये आ प्लस, सॉरी आ प्लस बड़ी ई, बड़ी ई का भी देख लिया और छोटी ई का, दोनों के एग्जाम्पल हमने देख लिए, दोनों के उदाहरण हो गए हैं, ए बनता है दोनों से ही, चाहे वो छोटा अ के साथ हो, चाहे वो छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, या फिर छोटे आ के साथ हो या फिर बड़े आ के साथ में ई हो, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, छोटी ए बनाएंगी। शब्द में पहचानने का तरीका है कि दूसरे या तीसरे अक्षर पर शब्द के पर छोटी ए की मात्रा होगी। सिंगल मात्रा का मतलब होता है कि वो आपका गुड़ संधि है। ये आपकी ट्रिक है कि अगर सिंगल मात्रा होती है तो वो आपकी गुड़ संधि होती है। सेम ऐसे ही है आगे जो हम नियम देखेंगे अभी, ओ का नियम, तो सिंगल मात्रा ही है, छोटे ओ पे भी सिंगल मात्रा होती है, और री की मात्रा आप सभी को पता ही है कि री की मात्रा किस तरह से होती है, जैसे कि हम बहुत सारे शब्द देखते हैं, महर्षि, सप्तऋषि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो इनको देख के हमें पता चलता है कि री की मात्रा है, ठीक है, तो ए की मात्रा यहाँ पर हो गई है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए का नियम हमने देख लिया, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ओ का नियम, ओके, अभी हम यहाँ पे ओ का नियम लेंगे, ठीक है, तो ये है ओ का नियम, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, महोदय, ठीक है, महोदय यानी कि महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, बड़ा आ और छोटा ऊ, बड़ा आ और छोटा ऊ दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ, यानी कि छोटा आ प्लस छोटा ऊ सिकल टू छोटा ओ, कौन सी मात्रा बनी, सिंगल मात्रा, ठीक है, छोटा ओ, महा प्लस उदय, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ इजिकल टू छोटा ओ।
परोपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार, र आ छुपा हुआ है, छोटा आ प्लस उपकार, छोटा आ प्लस छोटा उ, छोटा आ प्लस सॉरी छोटा आ प्लस छोटा उ छोटा ओ, ठीक है। जलोर्मी, जलोर्मी, जल छोटा आ धन ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी, छोटा आ प्लस बड़ा उ इक्वल टू छोटा ओ। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा आ, छोटा आ हो चाहे वो बड़ा आ हो, चाहे वो छोटे ऊ के साथ मिले या फिर वो बड़े ऊ के साथ मिले, दोनों ही मिलकर बनाते हैं आपका छोटा ओ। चंद्र, र की मात्रा है लेकिन र अ छुपा हुआ अ है आपका, जो कि प्रत्येक व्यंजन के साथ रहता है, प्लस छोटा ऊ उदय, दोनों मिलके बनाते हैं छोटा ओ, सिंगल मात्रा ओ की, ठीक है। दूसरा नियम भी अच्छे से समझ में आया होगा ओ का, यानी कि छोटा आ बड़ा आ जब छोटा ऊ या बड़े ऊ के साथ मिल जाते हैं तो वो आपका छोटा ओ यानी कि ओखली वाला ओ बनाते हैं, जिसकी मात्रा एक रहती है। शब्दों में जब आप पहचानेंगे तो आप इस तरह से पहचानेंगे कि जो मात्रा होती है सिंगल मात्रा होती है और ये ओ की मात्रा होती है, ठीक है। ये हो गया आपका ओ का नियम। अब हम इसमें देखेंगे, हमारा ए का नियम हो गया, ओ का नियम हो गया, अब हमें र का नियम देखना है, यानी कि ऋषि वाला री का नियम देखना है, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देख ले हैं री यानी कि अर का नियम, जो मात्रा होती है री की। वैसे से पहचाना तो बहुत ही आसान है, बस आपको इतना याद रखना है कि री की मात्रा का जो नियम है वो आपका गुड़ संधि के अंडर में आता है, ठीक है। ये गुड़ संधि के अंदर होता है री का जो नियम है, आप इसे री की ऋषि की मात्रा के साथ ही पहचान सकते हैं, और होते भी शब्द यही हैं, सप्तऋषि महर्षि, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसान है आपको पहचानना, देवर्षि महर्षि सप्त ऋषि यानी कि सप्त छोटा अ प्लस री ऋषि आपने यहाँ पे देखा, और महर्ष महा प्लस ऋषि, ठीक है, यानी कि महर्षि। तो इसमें क्या हो गया, बड़ा अ प्लस री, दोनों को ही मिला के आपका क्या बना, री की मात्रा बनती है, ठीक है, री की मात्रा बनती है यानी कि अर, जिसे बोल देते महर महर्षि, ठीक है, महर। तो अर भी हम इसको बोल देते हैं, इसको अर भी बोला जाता है, अर महर, ठीक है। तो ये मात्रा हो जाती है, ये हमारे छोटे आ और बड़े आ के साथ जब री ऋषि को मिलाते हैं तो ये अर हो जाता है, क्लियर। तो गुड़ संधि का टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गुड़ संधि बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ आपका आ के साथ में आ छोटा आ और बड़ा आ के साथ में या तो ई मिलती है तो छोटी ए हो जाता है, यदि आ और आ के साथ में ऊ मिलता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो आपका छोटे ऊ से ओखली बना देता है, यदि आ और आ के साथ में ऋषि बनता है मिलता है तो वो अर बना देता है, ठीक है। दोनों का नियम है, सिंगल मात्रा होती है गुड़ संधि के अंदर और ऋषि की मात्रा, तो बहुत ही आसान है इसे भी समझना। तो आपकी दो संधि हो चुकी हैं, आपने दीर्घ संधि और गुड़ संधि को, बहुत ही आसान तरीका है दोनों को समझने का। दीर्घ संधि में आपके समान स्वर आता है, एक के बाद एक समान स्वर आता है, वो आपकी दीर्घ संधि थी। गुड़ संधि में आपका आपने देख लिया सिंगल मात्रा वाले शब्द होते हैं, वो आपकी गुड़ संधि होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।